मध्य हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली रावी नदी से अब हिमाचल प्रदेश के इस दुर्गम पहाड़ी अंचल की तस्वीर बदलने लगी है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति जहाँ एक ओर लोगों के लिए विषम परिस्थितियां पैदा करती है, वहीं यहाँ के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियाँ इस क्षेत्र और देश के लोगों के जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बन गई है। NHPC लिमिटेड, जो भारत सरकार की एक मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी है, ऐसे ही प्राकृतिक जल स्रोतों के जरिए देश और देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है। पठानकोट रेलवे स्टेशन से 145 किलोमीटर और चंबा जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर धरवाला के पास रावी नदी की ऊपरी धारा पर NHPC का चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चरण 3 का काम अपने अंतिम चरण में है। इससे 231 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। रावी नदी पर चमेरा चरण 1 और चरण 2 का निर्माण इससे नीचे हो चुका है। प्रोजेक्ट की वजह से रोड ठीक बन गया है। पहले यहाँ तक पहुँच पाना भी मुश्किल होता था। प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ सड़कें बन गई हैं, नदी पर पुल बन गए हैं, आना जाना आसान हो गया है। बेशक इलाके में किया गया ये ढांचागत निर्माण प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन इससे यहाँ के लोगों को भी काफी सुविधा हो गई है। एक तो है गोली चंबा रोड, उसका वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, और दूसरा पोर्शन है जरांगला से लेके खड़ामुख, जहाँ पे हमारा डैम का लोकेशन है। तो ये दोनों रोड्स का वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट HPPWD के जरिए हमने तकरीबन 23 करोड़ की पेमेंट की है उनको। और इनके अलावा प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान हमने 3 पुल रावी नदी पर भी निर्माण करवाए हैं, जिसपे अंदाजन 4.5 करोड़ का खर्चा है। बांध के पास NHPC ने हाईवे पर एक टनल का भी निर्माण कराया है। इससे यहाँ के लोगों को काफी सुविधा हो गई है। खड़ामुख के पास चमेरा चरण 3 परियोजना का ये रॉक फिल कॉफर डैम है। नदी के बाएं छोर पर 8.2 मीटर गोलाई की ये डाइवर्जन टनल बनाई गई है, जो नदी की धारा को मोड़कर नीचे तक ले जाती है। इस टनल की लंबाई 372 मीटर है। मुख्य बांध के निर्माण के लिए ये जरूरी है। शूटिंग ऑफ द स्टोन्स व्हिच फॉल फ्रॉम द राइट बैंक व्हिच हैज डैमेज्ड आवर मोमेंटम ऑफ द वर्क्स एज वेल एज वन ऑफ आवर टावर क्रेन व्हिच इज ऑलरेडी इरेक्टेड व्हिच हैज टोटली कोलैप्स्ड। फॉर दैट वन वी हैव टेकन सम 6 मंथ्स टू रीएस्टैब्लिश अनदर न्यू क्रेन एंड वी स्टार्टेड द वर्क। इन एडिशन टू दैट वन twice or thrice the coffer dam has got washed away and the downstream coffer dam also got washed away. We have restored those things and ultimately we completed this dam on 14th August 2010. Vaakai aisi visham paristhitiyon ke beech nirman karna kafi mushkil kaam hota hai, par NHPC ko aise durgam sthalon par bade bade nirman karne ka purana anubhav hai. ये है परियोजना का मुख्य डैम। इसके बांध की ऊंचाई 68 मीटर की होगी। रावी नदी के ऊपरी बहाव से आने वाला पानी यहाँ जमा होगा। इसका कैचमेंट एरिया 2204 वर्ग किलोमीटर और बर्फीला कैचमेंट एरिया करीब 230 वर्ग किलोमीटर है।
जलाशय की अधिकतम क्षमता 1394 मीटर होगी और न्यूनतम क्षमता 1380 मीटर होगी। जल निकासी के लिए डैम में 12.5 मीटर बाय 16.5 मीटर के 3 स्पील वे रेडियल गेट बनाए गए हैं, जिसकी डिस्चार्ज क्षमता 1200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होगी। पर्यावरण नियमों को ध्यान में रखते हुए चमेरा चरण 3 परियोजना के डैम में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे पानी की कमी के समय में भी 15% पानी नदी में हमेशा बहता रहे। इसके लिए डैम के साथ ही 610 मिलीमीटर डायमीटर की एक पाइप आर पार लगाई गई है। ऐसी पहाड़ी नदियों पर बने बांधों में सिल्टेशन एक बड़ी समस्या होती है। इस डैम में 200 मीटर लंबी, 13 मीटर चौड़ी तथा 17 मीटर ऊंची डाइफर टाइप डीसिल्टिंग अरेंजमेंट की गई है। डैम के दाईं ओर 5 मीटर डायमीटर की दो इंटेक टनल बनाई गई हैं, जिनमें से एक की लंबाई 297 मीटर और दूसरी की लंबाई 305 मीटर है। इन्हीं इंटेक टनल्स के जरिए डैम का पानी हेड रेस टनल तक जाएगा। यहां पहुंचकर हेड रेस टनल नीचे की तरफ गहरी हो जाती है। दरअसल डी की आकृति की ये सिल्ट फ्लशिंग टनल है। पानी में आने वाली गाद को इसके गहरे नाले के रास्ते अलग कर दिया जाएगा। घोड़े की नाल के आकार वाली हेड रेस टनल की लंबाई 16 किलोमीटर है तथा इसकी गोलाई है 6.5 मीटर डायामीटर। इसी टनल के जरिए पानी पावर हाउस तक जाएगा। हेड रेस टनल खद्दल के पास एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक खुले में गुजरती है। दो पहाड़ियों के बीच एक्वाडक्ट की लंबाई करीब 104 मीटर है। सर्ज शाफ्ट का काम लगभग अंतिम चरण में है। 18 मीटर डायमीटर सर्ज शाफ्ट की लंबाई ऊपर से नीचे तक 110 मीटर है। वृत्ताकार कंक्रीट ढांचे से घिरा ये प्रेशर शाफ्ट है और इसके जरिए टनल से आने वाले पानी के बहाव की तीव्रता बढ़ाई जाती है। किसी भी जल विद्युत परियोजना की ये महत्वपूर्ण संरचना होती है। यहाँ से पानी को 3 मीटर डायमीटर वाले 3 पेन स्टॉक के जरिए पावर हाउस स्थित टर्बाइनों तक ले जाया जाता है, जिसकी लंबाई करीब 93 मीटर है। पावर हाउस और ट्रांसफॉर्मर का भाग सतह से नीचे का सबसे बड़ा निर्माण है। चमेरा चरण 3 के पावर हाउस की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 18.6 मीटर और ऊंचाई 42 मीटर है, जबकि ट्रांसफॉर्मर एरिया की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर तथा ऊंचाई 15.5 मीटर है। पावर हाउस में टरबाइन लगाने का काम भी लगभग पूरा होने को है। यहां 77 मेगावाट क्षमता के 3 टरबाइन लगाए गए हैं, जिससे 231 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इट कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ 77 मेगावाट ईच, इन विच यूनिट 1 एंड 2 आर प्री कमीशनिंग ऑफ यूनिट 1 एंड 2 इज नियर कंप्लीशन एंड यूनिट 3 इज बॉक्स विल बी बॉक्स्ड अप बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2011। टरबाइन से निकला पानी 6.5 मीटर डायामीटर घोड़े की नाल की आकृति वाली 120 मीटर लंबी टनल के जरिए वापस नदी में ले जाया जाएगा। जमीन के नीचे इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य करना कोई कम जोखिम का काम नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, चाहे वर्कर हो, सुपरवाइजरी स्टाफ हो, सबको अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स पहन के अलाउ किया जाता है। हेलमेट, सेफ्टी शूज, गमबूट, और जो काम करता है वेल्डिंग का काम कर रहा है उसको सेफ्टी ग्लव्स, इसके लिए इंसिस्ट किया जाता है और वो करते भी हैं। स्विच यार्ड चूड़ी नामक एक गांव में सतह पर स्थित है, जो 220 केवी के डबल सर्किट जीआईएस का होगा।
चमेरा चरण तीन परियोजना से उत्पादित बिजली से हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ लाभान्वित होंगे। लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 231 मेगावाट क्षमता वाले चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चरण तीन के लिए कुल 98.97 हेक्टेयर वन भूमि एवं 4.23 हेक्टेयर रेयती जमीन अधिग्रहित की गई है। जो अफेक्टेड लैंड ओनर्स हैं तथा जिनकी जमीन पार्शियली या कम्प्लीटली चली गई है, जिनके हाउसेस पार्शियली या कम्प्लीटली चले गए हैं, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन बिल्कुल ही नहीं बची, कुछ के पास 5 बीघा से कम ज़मीन रह गई है, ये कैटेगरीज हैं जो कि हम अफेक्टेड लोगों की मानते हैं। इसके ऊपर एक बृहत रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई है और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सबमिटेड है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ये अप्रूव होकर आ जाएगी और उसके बाद इन जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको उनका कॉम्पेंसेशन, जो कि उनका जायज कॉम्पेंसेशन है, वो मिल जाएगा। इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और हमने ये तय किया कि इसमें 50% जो टोटल कैचमेंट का जो 29.18 करोड़ का जो पैसा है वो 50% बजट हमने वाइल्ड लाइफ प्रजर्वेशन के लिए एंड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया उसके लिए हमने अलग से इसके लिए रखा। और साथ ही हमने रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए एंड एनिमल हस्बेंड्री जो इस एरिया में है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल पीपल शुड आल्सो बी इम्प्रूव्ड, उसके लिए भी हमने कैचमेंट एरिया में इसका प्रोविज़न रखा गया। चमेरा चरण तीन परियोजना में कुल मिलाकर लगभग 2,800 कर्मचारी हैं, जिनमें से 1,800 हिमाचल प्रदेश के हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट के कारण इस सुदूर इलाके में नए नए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। अब सड़क बन गई है, पुल ने सारा पुल पे गया, सड़क खुली बन गई, आने जाने ठाक ठीक हो गया। फायदा तो लगता है, ठीक चल रहे हैं, सारे आदमी आते जाते, पैसा कमा रहे, ठीक है। अभी तो पहले इतना इधर ना इतना बिक्री नहीं होता था ना, अभी बिक्री ठीक ठाक होता है। जो भी हमने गाड़ियां हायर की हैं वो भी सब तक लोकल्स की हायर की हैं, तो इन सब कारणों से लोकल्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इस प्रोजेक्ट से। NHPC ने इस इलाके में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए स्कूल भवन, पंचायत घर, खेल के मैदान, जलापूर्ति के साधन, सराय, मंदिर के लिए प्लेटफॉर्म, शवदाह के स्थलों जैसे सार्वजनिक सुविधा के कई निर्माण कार्य किए हैं। इसके अलावा जो लोकल एरिया डेवलपमेंट की विभिन्न स्कीम्स होती हैं जो अफेक्टेड पंचायत हैं, इसमें तकरीबन 3.5 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें से कि 2.9 करोड़ को हम ऑलरेडी खर्च भी कर चुके हैं। प्रोजेक्ट आने से इलाके में फ़ायदा हुआ सर। सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम थी, तो वो काफ़ी दूर से पानी की लाइन भी है, मेरे स्कूल बच्चे थे उनके लिए पानी नहीं होता था, गांव में पानी नहीं था, तो उसकी व्यवस्था एक लाइन तो कर दी फिटने ने, दूसरी लाइन का काम चालू है, वो भी हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या होती है खुदाई से निकाले गए मलबे की डंपिंग। चमेरा चरण तीन में यहाँ मलबे का 3 प्रकार से उपयोग किया गया है। इसे सड़क किनारे डालकर सड़क को चौड़ा किया गया, ग्राफ्टिंग करके वृक्षारोपण की योजना बनाई गई तथा इस मलबे का लगभग 70% पुनः उपयोग निर्माण कार्यों में किया गया है। ना कोई आवाज है, ना कोई धुआं है, ना धूल है, साइलेंटली ये कार्य हो रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी है पानी की, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, पानी का भी कोई लॉस नहीं है। जो एनवायरनमेंटली फ्रेंडली, क्लीन एंड ग्रीन जो एनर्जी है, मैं उसको मानता हूँ कि हाइड्रल एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है पावर का। ज़्यादातर प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स अंडरग्राउंड है, 16 किलोमीटर की टनल है,
अंडरग्राउंड पावर हाउस है और बाकी सब स्ट्रक्चर्स जो भी हैं सब अंडरग्राउंड हैं डैम को छोड़कर, तो उस लिहाज से ये प्रोजेक्ट काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहा जा सकता है। NHPC लिमिटेड भारत सरकार की एक मिनी रत्न श्रेणी एक की ऐसी कंपनी है जो पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर देश को ऊर्जावान बनाती है। भारत जो एक सशक्त देश बनकर आगे बढ़ रहा है, उस राह पर NHPC की एक नई उपलब्धि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चरण 3, पहाड़ों की मुस्कान।